भारत ने रचा इतिहास, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बना भारत। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 276 रन बनाए, जवाब में टीम इंडिया ने 48.4 ओवर में 281 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुक्रवार 22 सितंबर को शुरू हुई। टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस जीत के साथ ही भारत आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया। वह T20 और टेस्ट में पहले से ही शीर्ष पर था। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन गया। केएल राहुल की कप्तानी में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। वह एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा किया था। वह अगस्त 2012 में एक साथ टेस्ट वनडे और T20 में पहले पायदान पर था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद वनडे में भारत के 116 रेटिंग अंक हो गए। उसने पहला स्थान हासिल करते हुए पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान टीम को 115 रेटिंग अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर कायम है, उसके 111 रेटिंग अंक हैं। हार के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया टीम विश्व कप में नंबर वन टीम के तौर पर नहीं जाएगी। भारत के खिलाफ बाकी बचे दो मैचों को जीतने के बावजूद वह शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया बाकी दोनों मैचों को जीतता है तो भारत पहले स्थान से नीचे आ सकता है और पाकिस्तान शीर्ष पर पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी 10 विकेट पर 276 रन बनाए, जवाब में टीम इंडिया ने 48.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 281 रन बना लिए। और टीम इंडिया ने यह दावेदारी पेश कर दी कि वर्ल्ड की नंबर वन टीम है, क्योंकि टीम इंडिया इस समय तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे दो मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।